एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चाउमीन यानी नूडल्स बनाएंगे। हमने कढ़ाई में 1 लीटर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब 1 चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे। हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, केवल 80% तक ही पकाना है। हमें इसे इतना ही पकाना है। हम गैस ऑफ कर देंगे, थोड़ा कच्चा रहने देंगे। अब हम एक बर्तन में अलग निकाल लेंगे। हमने इसे छन्नी में निकाल लिया है, हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में डाल लेंगे। हम इसे प्लेट में डालकर अच्छे से फैला लेंगे ताकि ये ठंडा हो, जल्दी से हो जाए। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने नूडल्स में ऑयल इसलिए डाला है ताकि हमारे नूडल्स चिपके नहीं और अच्छे खिले खिले रहे। यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ली हुई है। हमने यहाँ हरे प्याज का व्हाइट पार्ट लिया है और यहाँ ग्रीन पार्ट लिया है। यहाँ मैंने पत्ता गोभी लिया हुआ है, इसे अच्छे बारीक चॉप कर लिया है। हरी शिमला मिर्च ली हुई है, इसे भी अच्छे से काट ली हुई है। प्याज लिए हुए हैं, इन्हें भी चिप में काट लिए हुए हैं। मिर्ची ली हुई है 2-3, इसे भी अच्छे से बारीक काट ली हुई है। कुछ गाजर लिए हुए हैं। लिया हुआ है मैंने 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून टमाटर सॉस लिया हुआ है, 2 से 3 लहसुन लिए हुए हैं, चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून ऑयल एड किया हुआ है। अब हम इसमें लहसुन चॉप करा हुआ डाल देंगे। हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, गाजर ऐड कर देंगे, बंद गोभी भी ऐड कर देंगे, हरा प्याज भी ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा कच्चापन निकल जाए। हमें सब्जियां पूरी तरीके से पकाना नहीं है। शिमला मिर्च भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। सब्जियों को हल्का फ्राई कर लिया। अब हम इसमें विनेगर डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, रेड चिली सॉस डालेंगे। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। अब हम इन्हें मिला देंगे अच्छे से हाई फ्लेम पे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिए, हमने नूडल्स को बॉईल करते टाइम नमक डाला हुआ है, इसलिए अब हम नमक कम डालेंगे। अब हम टमाटर सॉस भी ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम नूडल्स को टॉस कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हमारा नूडल्स अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें हरे प्याज का ग्रीन पार्ट ऐड कर देंगे, उसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। हमारा नूडल्स बन चुका है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।